आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसको हम इसकी एप्लीकेशन लेके समझें, इसको बिल्कुल बेस से समझें कि क्यों इसको केमिस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं, क्या इसके आगे यूजेस हैं, क्या ऐसे हम इसकी हेल्प से, क्वांटम केमिस्ट्री की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की पाथ, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, मीन्स कोई भी उसकी पोजिशन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, क्वांटम केमिस्ट्री कैसे आई। काफी ऐसी जगह थी जहां पे एक्सपेरिमेंट्स थे। इन 1900 एंस्टाइन भाई साहब, मैक्स प्लैंक, काफी ऐसे साइंटिस्ट थे जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो फेल हो गए। क्लासिकल मैकेनिक्स उन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव नहीं कर पाई, तब जाके उनको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में, मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स यूज करनी पड़ी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो और ये सारे के सारे इजीली एक्सप्लेन करे गए क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। क्वांटम वर्ड जहां पे भी आते हैं, जहां पे कहीं भी क्वांटम वर्ड मिल जाए तो मींस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बात होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मींस लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैवी हैं, और क्वांटम में पार्टिकल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। तो वो कैसे हैं, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, लाइट है, उनका वेट बहुत कम है। क्वांटम के अंदर अगर बात करें जो एनर्जी है वो हमारी कैसी है, डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, और जैसे ही हम क्लासिकल के अंदर अगर एनर्जी की बात करते हैं वो कंटिन्यूस है। अब बोल तो दिया एनर्जी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड, इनका मतलब क्या होता है। मेन बात यह है कि डिस्क्रीट एनर्जी या क्वांटाइज एनर्जी का मतलब क्या है, लाइक फिक्स्ड हम बोल सकते हैं एक तरीके से। आपके पास सबने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियस एंड देन N1 N2, नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स N1 में है, देन N2 में है। अब ये तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N1 और N2 के बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। मींस एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की वो फिक्स्ड है, N1 के लिए फिक्स्ड है, N2 के लिए फिक्स्ड है, या डिफरेंट एनर्जी बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पाथ। दो शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उनके बीच में कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड है, इसके बीच में कोई एनर्जी नहीं है। तो ये कैसे है, क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट। और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो ये ग्राफ देखो, ये एक लीनियर कर्व है, इस पे हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, एक लीनियर ग्राफ है। तो ये कैसा है, कंटिन्यूस है। और अगर हम बात करते हैं क्लासिकल की, अरे क्लासिकल मैकेनिक्स जहां पे भी आती है तो न्यूटन भाई साहब का नाम सबसे आगे, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स लिख के डाली, मींस न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सारी सारी क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की या क्वांटम मैकेनिक्स की, तो हाँ वहां हम यूज करते हैं कैसी, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, जिससे हम काफी आगे इलेक्ट्रॉन के बारे में निकालेंगे कि उसकी स्पिन क्या है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं क्लासिकल के अंदर, क्लासिकल के अंदर हम ट्रेजेक्ट्री, जैसे मैंने एक बॉल थ्रो की या बॉल को बॉल ने उसको एक पाथ फॉलो किया, कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो की, वो ट्रेजेक्ट्री उससे अगर हम उसकी वेलोसिटी पता है, उसका टाइम पता है, हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। बट इसके अंदर क्या यूज होते हैं, वेव फंक्शंस, ट्रेजेक्टरी वहां फॉर्मूलेज है या वहां वेव फंक्शंस यूज करते हैं। क्लासिकल के अंदर जितने भी हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, मींस डिटर्मिनिस्टिक का मतलब 100% श्योर है, मेरे को पता है 10 मिनट के अंदर अगर ये घोड़ी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो 10 मिनट के अंदर कहाँ होगी, मैं उसे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 100% श्योर है कि ये 100% क्या होगी। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोजिशन के बारे में बात करूँ कि मैंने 10 मिनट के अंदर एक पहले 10 मिनट के अंदर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखा, अभी 10 मिनट में वो कहाँ होगा, नहीं कह सकता, 100% श्योर नहीं हूँ, मीन्स प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ हो तो शायद वो प्रोबेबिलिस्टिक, मीन्स क्वांटम केमिस्ट्री प्रोबेबिलिस्टिक पे डिपेंड करती है। तो ये बेसिक आइडिया था क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस, कि क्लासिकल क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री क्या है, मीन्स बात सिंपल सी है। क्वांटम केमिस्ट्री का हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे, और अभी आगे देखते हैं।